फायरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से बाहर निकलती है। तो अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के आउटर कवर को हटा दूं, तो इसके अंदर चार लेयर मौजूद होते हैं। सबसे पहले है सेरेमिक लेयर, दूसरा एरेमिड फाइबर लेयर, तीसरा वर्टेक्स लेयर और लास्ट में है पॉलीएथिनी लेयर। सबसे पहले बुलेट ये सेरेमिक लेयर से टकराएगी, जिससे बुलेट का स्पीड कम हो जाएगा और बुलेट का शेप कुछ इस तरह से आगे से बैंड हो जाएगा। और फिर बुलेट ये आर्मिड फाइबर से टकराएगी। ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत फाइबर है। बुलेट के कॉन्टेक्ट में आने से ये इस तरह से पीछे से स्ट्रेच हो जाएगी और इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे फाइबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और फिर इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर आर्मर्ड फाइबर का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि और ज्यादा टाइट रहता है। आगे बढ़ते ही हाई टेम्परेचर बुलेट जब ये पॉलीएथिलीन फाइबर के कॉन्टेक्ट में आएगी और इस लेयर का ये पार्ट पिघल जाएगी और इस तरह बुलेट को जकड़ लेगी।